तो लास्ट क्लास में हम लोग ने रेलवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्टार्ट किए थे। उस रेलवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में मैंने कुछ ग्रेडियंट के बारे में और ग्रेड कंपनसेशन के बारे में बताया था कि हम जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्लोप देते हैं वो ग्रेडियंट होता है आपका, ठीक है। और मैंने उसमें बताया था एक रूलिंग ग्रेडियंट होता है जो कि आपका मैक्सिमम ग्रेडियंट है, ठीक है। और उसके बाद एक आपका क्या होता है पुशर ग्रेडियंट से पहले मोमेंटम ग्रेडियंट, कि आपको क्या करना है मोमेंटम बनाना पड़ता है कि ऊपर उठाने से पहले आपको थोड़ा ढलान देना पड़ेगा तभी आपकी ट्रेन ऊपर उठेगी, मोमेंटम ग्रेडियंट। फिर एक पुशर ग्रेडियंट होता है जिसमें एक्स्ट्रा लोकोमोटिव मतलब इंजन लगाना पड़ता है। और एक मिनिमम ग्रेडियंट होता है जो कि ट्रेन स्टेशन यार्ड में हम लोग जनरली देते हैं कि ड्रेनेज के लिए हम सर्टिंग कितनी वैल्यू 1 in 1000, ठीक है। और नॉर्मल स्टेशन वगैरह में और एक क्या थी 1 in 400, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेड कंपनसेशन की, अगर आपका ऊपर आप चढ़ा रहे हो अपनी ट्रेन को, ग्रेडियंट है ऊपर जाना है और साथ में कर्व भी है, हॉरिजॉन्टल कर्व भी है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका इंजन का पुलिंग पावर, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उस उतना ज़्यादा पुलिंग पावर ना लगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ग्रेड कंपनसेट करेंगे, ग्रेडियंट को थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। तो ग्रेड कंपनसेशन आपका बीजी ट्रैक का था 0.04% ऑफ पर डिग्री कर, 0.03% ऑफ मीटर गेज और वैसे 0.02% ऑफ नैरो गेज पर डिग्री, ठीक है। ये मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछता है एग्जाम में ग्रेड कंपनसेशन। और ग्रेड कंपनसेशन के बाद आपको क्या निकालना रहता है कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। हाईवे में भी पढ़ोगे यही चीज़, आप हाईवे में भी यही चीज़ पढ़ोगे, ठीक। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं रूलिंग ग्रेडियंट से ग्रेडियंट को थोड़ा कम कर रहे हैं ताकि हम स्मूथली गाड़ी को वहाँ पर चढ़ा सकें, क्लियर। ये हमने पढ़े थे। फिर आ जाओ रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व में, तो डिग्री ऑफ कर्व आपकी क्या होती है कि एक चेनेज लेंथ में आपके सेंटर में कितना एंगल बन रहा है वो डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। अगर 30 मीटर की चेनेज लेंथ है तो डिग्री ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या हो गया था 1750/r, और अगर 20 मीटर चेनेज लेंथ है तो आपका डिग्री ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या था 1150/r, ठीक है। तो ये दो चीज हम लोग देखे थे, तो इससे आप रेडियस निकाल सकते हो। अगर आपको डिग्री दिया है और रेडियस दिया है तो आप डिग्री निकाल सकते हो, वैसे क्वेश्चन में आपको डिग्री देगा और आपसे रेडियस निकलवाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के देखे थे। अब बात आती है स्पीड की, ठीक है, रेलवे में स्पीड की बात आती है, ठीक है। तो इसके बाद क्योंकि अब हम लोग सुपर एलिवेशन मतलब कांट वगैरह पढ़ेंगे तो उसके लिए हमको पहले स्पीड पढ़ना है। तो स्पीड की बात आती है तो स्पीड में हम देखते हैं कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, उसके लिए कुछ अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। एक तो रेलवे बोर्ड ने, आपके रेलवे बोर्ड ने सैंक्शन कर दिया कितनी स्पीड से जाना चाहिए, वंदे भारत कितनी स्पीड से जाएगी, एक्सप्रेस कितनी स्पीड से जाएगी, सुपर फास्ट ट्रेन कितनी स्पीड से जाएगी, पैसेंजर कितने स्पीड से जाएगी, ठीक है। और दूसरा है कर्व लोकेशन के आधार पर, दूसरा है कर्व लोकेशन के आधार पे। तो कर्व लोकेशन के आधार पे दो प्रकार के हैं, उसमें भी एक एस पर मार्टिन्स और एक एस पर रेलवे बोर्ड, ठीक है। तो मार्टिन के हिसाब से जनरली अब यूज नहीं होता इतना, मगर फिर भी एग्जाम वगैरह में ये मार्टिन्स फार्मूला बहुत पूछता है, ठीक है, फिर भी एग्जाम वगैरह में ये मार्टिन्स फार्मूला बहुत पूछता है कर्व लोकेशन में जो मार्टिन्स फार्मूला है। तो ये मार्टिन्स फार्मूला क्या है, वी मैक्स इज इक्वल टू 4.35 आर माइनस 67, 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67, अंडर रूट आर माइनस 67, ये है आपका किसका मार्टिन्स फॉर्मूला। तो इसको तुमको याद रखना है, ये एग्जाम अगर मैं पूछ सकता है, मार्टिन्स फॉर्मूला आपको याद रखना है 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67, क्लियर। तो यहां से आप क्या निकाल रहे हो मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक, ठीक है भाई, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन। कंफ्यूज मत होना आगे, क्योंकि आगे चल के आप इक्विलिब्रियम स्पीड या एवरेज स्पीड पे भी बात करोगे, तो अभी ये मैक्सिमम स्पीड पे हम बात कर रहे हैं वी मैक्स पे। तो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67 एज पर मार्टिन्स। रेलवे का भी है मगर उतना तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
और एक मैक्सिमम स्पीड तुम निकालोगे कांट और कांट डेफिशिएंसी के आधार पे। पढ़े हो क्या अभी कांट और कांट डेफिशिएंसी? नहीं, तो अभी मैं पढ़ाऊंगा तुमको कांट और कांट डेफिशिएंसी। कांट मतलब सुपर एलिवेशन, कांट डेफिशिएंसी क्या है वो भी कांसेप्ट बताऊंगा। तो उसके आधार पर जो मैक्सिमम स्पीड निकालोगे वो, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के आधार पे जो मैक्सिमम स्पीड निकालोगे वो, समझ रहे हो? चार हो गए तुम्हारे पास, एक दो तीन चार। अब सर मेरे पास चार स्पीड के फॉर्मूले हैं, इन चारों में से कौन सा लूंगा मैं, इन चारों में से मैं कौन सा लूंगा? ठीक है, तो इन चारों में से मिनिमम, इन चारों में से मिनिमम लूंगा मैं, इन चारों में से जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी वो होगा मेरा किसका फॉर्मूला, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन का फॉर्मूला। वो क्या होगा मेरा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन का फॉर्मूला। तो यहां पे हम ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड पे बात कर रहे हैं, वी मैक्स पे बात कर रहे हैं। याद रखने के लिए क्या काम है सर यहाँ पे, यहाँ पे मार्टिन्स फॉर्मूला को याद रखो, 4.35 अंडर रूट आर माइनस 637। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्व। क्लियर, क्लियर हुआ भाई? मैक्सिमम स्पीड निकाल रहे हो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अब बात आ रही है यहाँ पे, सर हमको मैक्सिमम स्पीड निकालना है एज पर कांट और कांट डेफिशिएंसी। ये कांट क्या होता है, ये कांट डेफिशिएंसी क्या होती है, तो आओ इसको पहले हम समझते हैं कि कांट क्या होता है और कांट डेफिशिएंसी क्या होती है। ठीक, कांट, ठीक है, कुछ नहीं, कांट मतलब सुपर एलिवेशन। हाईवे वगैरह में आप लोग पढ़ोगे सुपर एलिवेशन, ठीक है, सुपर एलिवेशन को ही कांट, बैंकिंग ये सब नाम दिया गया है। रेलवे वगैरह में हम इसको मेजरली कांट ही बोलते हैं। ठीक, ठीक है, तो देखो भाई ये होता क्या है, पहले समझो इस चीज को। कर्व वगैरह में, ठीक है, देखो पहले समझ लो फिर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। आपकी रेलवे, आपकी जो ट्रेन है वो अभी सीधे जा रही है, ठीक है, सीधे जा रही है, फिर कहीं पे डायरेक्शन चेंज होता है तो वहां पे आपको कर्व देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कर्व। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में जो आपका आउटर डायरेक्शन है, जो आपका आउटर डायरेक्शन है उस तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। क्या लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। आप लोग पढ़े हो सर्कुलर मोशन 11th वगैरह में कि किसी भी चीज को रोटेट करो तो एक सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है वो सेंट्रीपेटल फोर्स है, और एक सूडो फोर्स होती है जो कि बाहर की तरफ लगती है, वो क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आप लोग हाईवे में पढ़ोगे कि स्किडिंग होती है, ठीक है, ओवर टर्निंग होती है, लेटरल स्किडिंग, ओवर टर्निंग। तो यहाँ पे भी ट्रेन में, रेलवे में भी कर्व वगैरह में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हम डिसकंफर्ट फील करते हैं, एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, आपकी ट्रेन पटरी से डीरेलमेंट हो सकती है, ठीक है। तो उसको कैसे हम कंपनसेट करें, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कैसे कंपनसेट करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेम हाईवे में जो कॉन्सेप्ट है, हम क्या करते हैं, ये रेलवे ट्रैक है आपकी, हम आउटर एज को ऊपर उठा देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज। आउटर एज ऑफ रेलवे ट्रैक को हम क्या कर देते हैं, ऊपर उठा देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज। तो इससे क्या होगा सर, इससे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर पाओगे, कंपनसेट कर पाओगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर पाओगे जी, कंपनसेट कर पाओगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं, ये आपकी एक ट्रैक है, ठीक है, उसमें एक आपका आउटर एज और एक आपका इनर एज, एक आपका आउटर एज और एक आपका इनर एज, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आउटर एज को क्या कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज ऊपर उठा रहा हूँ। आउटर एज को क्या कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज ऊपर उठा रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है,
इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या कर पा रहे हैं, कंपनसेट कर पा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या कर पा रहे हैं, कंपनसेट कर पा रहे हैं। यहां पे आपका व्हील्स है, आप जानते हो, ठीक। तो देखो पहले ट्रैक कैसी रही होगी दोनों सेम लेवल में। अब आप देख रहे हो ये आपका क्या पोर्शन है, आउटर एज, ये आपका आउटर एज है, और ये आपका क्या है, इनर एज। तो इनर एज के रिस्पेक्ट में हम आउटर एज को क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, ताकि ये जो फोर्स है, कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कंपनसेट कर पाए, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या कर पाए, कंपनसेट कर पाए। समझ रहे हो जी, ठीक समझ रहे हो। अब यहां से देखो, अब इस बात को समझना, देखो देखो हाईवे में क्या होता है, आप कितने एंगल से, कितने एंगल पे उठाए हो आउटर एज को, जो थीटा होता है वहां पे, जो थीटा होता है उसको हम वहां पे क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन, उसको हम क्या बोलते हैं वहां पे, सुपर एलिवेशन, ठीक। टेन थीटा जो आप लेते हो, ठीक है, पढ़ोगे हाईवे में, एंगल, ये जो एंगल रहता है ना, इसको हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं। मगर रेलवे के टर्म में कितने हाइट पे आपने उठाए, कितने हाइट पे आउटर एज को विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज आपने उठाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन। और आप ये जानते हो ये डिस्टेंस क्या है आपकी, इनर टू इनर करना है ना, ये इनर टू इनर, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, इसको यहां तक लेता हूं मैं, यहां तक, सॉरी, यहां, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, दिस इज यूअर ई एंड दिस इज यूअर जी, ऐसा कुछ हो गया, दिस इज यूअर जी एंड दिस इज यूअर ई एंड दिस इज यूअर थीटा, दिस इज यूअर थीटा। समझ रहे हो जी, समझ रहे हो कि कितने हाइट पे आपने उठाए आउटर एज को विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज, कितने हाइट पे उठाए, ये जो टोटल हाइट है, एलिवेटेड हाइट है, इसको मैं सुपर एलिवेशन बोल रहा हूँ रेलवे के टर्म में, इस चीज को याद रखना। मगर जब मैं हाईवे पढ़ाऊंगा तो हाईवे में बोलूंगा कि मैंने कितने अमाउंट रेज किया, कितने एंगल पे रेज किया विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज, ठीक है, दैट इज सुपर एलिवेशन। और एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था रेलवे में, कि जो ट्रेन है आपकी, वहां पे ट्रैक से क्या फ्रिक्शन जनरेट होता है क्या उतना, नहीं, हाईवे में ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है टायर और पेमेंट के बीच में, मगर रेलवे में ट्रैक्स आपकी स्मूथ है, ठीक है, तो उस चीज को भी आपको लेके चलना है। और यहां पे इस हाइट को मैं क्या बोल रहा हूं, सुपर एलिवेशन, इस हाइट को मैं क्या बोल रहा हूं, सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो इसका पूरा डेरिवेशन है, गेट वगैरह में मैं डेरिवेशन वगैरह करवाता हूँ, मगर एईजेआई में डेरिवेशन वगैरह आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट, तो ई इज इक्वल टू सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर अपॉन जी आर, क्योंकि डिराइव करके कोई चीज को निकाल रहे हो तो उस केस में वी काय में है आपकी, मीटर पर सेकेंड में है। वी क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन, v क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन, v क्या है यहां पे, स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड, g क्या है यहां पे, गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ऑलरेडी बहुत जानते हो, वीडियो वगैरह भी देख चुके हो। गेज डिस्टेंस क्या है, अगर बीजी ट्रैक है तो 1.676 मीटर, गेज है तो 1 मीटर, नैरो गेज है जो 0.762, ठीक है, फीडर गेज है तो 0.610, मगर उसका काम नहीं पड़ता, ठीक है, ये गेज डिस्टेंस है। जी आप जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आर क्या है आपका,
आर एस रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर, रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर। आई बात समझ में? तो ये देखो, ये आपका क्या है, आउटर एज। तो आप आउटर एज, और ये क्या है आपका इनर एज। तो आप आउटर एज को ऊपर उठा रहे हो विद रेस्पेक्ट टू इनर एज, ताकि आप क्या कर सको, सुपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंपनसेट कर सको, ताकि आप डिस्कम्फर्ट फील ना करो, डीरेलमेंट ना हो। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कांट बोलते हैं। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब अगर इसको पूछेगा किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आर में निकालो, ठीक है, किलोमीटर पर आर में निकालो, तो किलोमीटर पर आर के लिए आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आर के लिए आपको क्या करना है, इसको आप जानते हो कैसे कन्वर्ट करते हो, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पढ़े हो आपने, ठीक है। तो आप 0.278, 0.278 मतलब कितना हो गया आपका 5/18, कितना होता है देखो 5/18, 0.278 0.278। तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे E is equal to G 0.278 और स्क्वायर है ना, तो V स्क्वायर अपॉन जी आर। अब यहाँ G की वैल्यू पुट कर देना तुम 9.81, ठीक है, तो G V स्क्वायर और इसको नीचे ले आना 9.81 0.278 का स्क्वायर इंटू आर, ऐसा ले आना, तो तुमको एक फॉर्मूला मिलेगा E इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। और V काय में रहेगा यहाँ पे, किलोमीटर पर आर। समझ में आई बात? तो अगर V किलोमीटर पर आर में है, तो आपको E का फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये वाला। E का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। E का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ठीक, जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। क्लियर, क्लियर हुआ भाई? तो ये है क्या आपका, किसके बारे में, सुपर एलिवेशन के बारे में। अब देखो भाई, रेलवे बोर्ड ने हमको लिख लिए, रेलवे बोर्ड ने हमको क्या किया है, मैक्सिमम वैल्यू दिया है सुपर एलिवेशन की, कि इतना सुपर एलिवेशन होना ही चाहिए, बीजी ट्रैक है तो इतना होना चाहिए, ठीक है, और नैरो गेज है तो आपका इतना होना चाहिए, मीटर गेज है तो आपका इतना होना चाहिए, तो वो क्या वैल्यू है, ठीक है, उसको, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्या वैल्यू है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो ये तुम्हारा एक्चुअल कांट है, ठीक नहीं, अभी ये, सॉरी, ये एक्चुअल कांट नहीं, अभी मैं बताऊंगा इसके ऊपर पीछे। आई बात समझ में? अभी एक्चुअल कांट के बारे में मैंने नहीं बताया हूं, अभी क्या होता है एक्चुअल कांट उसके बारे में मैं बताऊं। समझ में आया सुपर एलिवेशन, सॉरी कांट, उसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन कांट, मगर रेलवे वगैरह में हम लोग कांट बोलते हैं इसको खासकर। ठीक, लिख लिए भाई? नहीं लिखे तो फोटो खींच लो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमने देखे किसके बारे में, फॉर्मूला क्या है कांट का, जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, जहां वी काय में है, वी काय में है आपकी किलोमीटर पर आर। ठीक, अब देखो, अब कॉन्सेप्ट यहां से चालू होता है। ठीक है, अब आपका कॉन्सेप्ट यहां पे चालू होता है। एक्चुअल कांट क्या है, एक्चुअल कांट क्या है, और थ्योरिटिकल कांट क्या है, और थ्योरिटिकल और मैक्सिमम कांट क्या है। ठीक है, इधर पूरा पूरा इधर ध्यान दो, एक्चुअल कांट क्या है और थ्योरिटिकल कांट क्या है। ठीक है, थ्योरिटिकल कांट को ही मैक्सिमम कांट बोलते हैं, और इसमें कौन सी स्पीड लगेगी, कौन सी स्पीड लगेगी। तो भाई आपकी रेलवे ट्रैक है, उसमें जो ट्रेन है अलग अलग स्पीड पे जा रही है, 40 किलोमीटर पर आर, 50, 60, 70, 80, ठीक है, 90,
अलग अलग स्पीड पे जा रही है रेलवे ट्रैक पे। अब किस स्पीड से आप कांट की वैल्यू को डिजाइन करोगे, कौन सी स्पीड पे आप कांट की वैल्यू को लोगे? अलग अलग एक ट्रैक है, उसमें अलग अलग स्पीड पे ट्रेनें जा रही हैं, उसमें से आप कौन सी स्पीड को लोगे, ये क्वेश्चन आता है। हम उसके लिए इक्विलिब्रियम स्पीड को लेंगे। कौन सी स्पीड को लेंगे? इक्विलिब्रियम स्पीड को लेंगे भाई, एवरेज स्पीड को, विद एवरेज स्पीड। समझ पा रहे हो? ठीक। तो अब ये इक्विलिब्रियम स्पीड निकालने के भी फॉर्मूले हैं, ये इक्विलिब्रियम स्पीड निकालने के भी फॉर्मूले हैं। क्या है पहला केस? इफ वी मैक्स इज ग्रेटर देन 50 किलोमीटर पर आर, अगर आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 50 किलोमीटर पर आर से ज्यादा है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम स्पीड, ठीक है, 0.75 वी लेना है और मार्टिन्स सेफ स्पीड फॉर्मूला, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू? मिनिमम वैल्यू। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू मिनिमम वैल्यू। समझ पा रहे हो जी? अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके रेलवे ट्रैक में अलग अलग स्पीड पे ट्रेन चल रही हैं, ठीक है। अब आप फॉर्मूला कौन सा है आपका? फॉर्मूला ई का फॉर्मूला क्या है? ई इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। अब तुम बोलोगे सर ई निकालने के लिए मेरे को स्पीड चाहिए, अब मैं कौन सी स्पीड लूँ जब अलग अलग स्पीड में ट्रेन चल रही हैं? तो उसके लिए मेरे को इक्विलिब्रियम स्पीड निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? इक्विलिब्रियम स्पीड निकालना पड़ेगा। तो अगर आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम स्पीड क्या हो जाएगी? 0.75 वी और मार्टिन सेफ स्पीड फॉर्मूला, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेना है? मिनिमम। दोनों में से कौन सी लेना है? मिनिमम। समझ पा रहे हो? ठीक, मिनिमम लेना है, क्लियर। और अगर 50 से कम है तो, अगर 50 से कम है तो, इफ वी मैक्स इज लेस देन 50 किलोमीटर पर आर, इफ वी मैक्स इज लेस देन 50 किलोमीटर पर आर, ठीक है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम स्पीड कितना लोगे? वी। इक्विलिब्रियम स्पीड कितना लोगे? वी। मतलब वी में भी क्या? वी मैक्स है ना भाई, ये भी वी क्या है? वी मैक्स है, कंफ्यूज मत होना, वी मैक्स, ठीक। और दूसरा क्या? मार्टिन्स सेफ स्पीड, मार्टिन सेफ स्पीड फॉर्मूला, दोनों में से कौन सा मिनिमम। समझ रहे हो बात को? तो अगर 50 किलोमीटर पर आर से ज्यादा है स्पीड, तो इक्विलिब्रियम स्पीड क्या हो जाएगी मेरी? 0.75 वी मैक्स और मार्टिन्स का क्या था? वही 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67। उन दोनों में से जो मिनिमम है वो में लिख रहा हो जाएगी इक्विलिब्रियम स्पीड। और अगर स्पीड आपकी 50 से कम है तो उस केस में क्या लेना है आपको? दोनों में से मिनिमम, ठीक है, दोनों में से क्या लेना है? मिनिमम लेना है, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको बोलता है क्वेश्चन में, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक ट्रैक है वहां पे आपकी 20 ट्रेन, ठीक है, या 20 छोड़ो, पांच ट्रेन 20 किलोमीटर पर आर पे चल रही हैं, चार ट्रेन 40 किलोमीटर पर आर पे चल रही हैं, ठीक है, छह ट्रेन 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही हैं और आठ ट्रेन 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही हैं।
80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ऐसा आपको दे दिया, ऐसा आपको दे दिया। तो अब इसमें मेरे को तुम क्या बताओ, इक्विलिब्रियम स्पीड बताओ, इक्विलिब्रियम स्पीड बताओ भाई इसमें तुम मेरे को। अभी तो यहां पे एक स्पीड थी तो आप निकाल ले रहे थे, एक आपको वी मैक्स दे दिया 60 दे दिया, चलो सपोज वी मैक्स आपको दे दिया 60 किलोमीटर पर आर, तो उस केस में आप इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, 0.75 इनटू 60 और मार्टिन लूथर्स ये मार्टिन फार्मूला, इन दोनों में से जो मिनिमम आया वो लेते। अगर आपको 40 दे देता तो 40 इक्विलिब्रियम स्पीड क्या हो गया, 40, या मार्टिन का जो फॉर्मूले से आया दोनों में से मिनिमम वो हो जाता। मगर अब बोल रहा है 5 ट्रेन इतने स्पीड में, 4 ट्रेन इतने स्पीड में, 6 ट्रेन इतने स्पीड में, 8 ट्रेन इतने स्पीड में, एवरेज निकालूंगा, वेटेज एवरेज, क्या निकालूंगा मैं, एवरेज। ये क्या हो गया तुम्हारा, सपोज N1 N2 N3 N4, ये भी क्या हो गया V1 V2 V3 V4। तो इक्विलिब्रियम स्पीड कैसे निकालूंगा, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 प्लस N4 V4 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है, सॉरी N, टोटल N, टोटल N मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, कितना है यहाँ पे, 5 4 5 4 9 9 6 15 15 8 23, तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 23। बाकी N1 कितना है यहाँ पे, 5 न्यूमेरिकल कराता हूँ इसका, 5 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 40 प्लस 6 इंटू 60 प्लस 8 इंटू 80। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम स्पीड ऐसे भी निकल सकती, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। तो ये हमने इक्विलिब्रियम स्पीड के बारे में बात की है, किसके बारे में बात की है, इक्विलिब्रियम स्पीड के बारे में बात की है भाई, क्लियर। लिख लिए, तो अब देखो एक्चुअल कांड क्या होता है, यही बात चल रही थी उस समय, एक्चुअल कांड क्या होता है। तो एक्चुअल कांड वो कांड होता है जिसमें हम कौन सी स्पीड लेते हैं, इक्विलिब्रियम स्पीड। कौन सी स्पीड लेंगे एक्चुअल कांड में, हम इक्विलिब्रियम स्पीड लेंगे, वी इक्विलिब्रियम एक्चुअल कांड, ठीक है। तो लिख लो इसमें, एक्चुअल कांड में ऑन ए ट्रैक डिफरेंट स्पीड ट्रेन्स आर मूविंग, ऑन ए ट्रैक डिफरेंट स्पीड ऑफ ट्रेन आर मूविंग, ऑन ए ट्रैक डिफरेंट स्पीड ऑफ ट्रेन आर मूविंग, सो एक्चुअल कांट इज प्रोवाइडेड फॉर, सो एक्चुअल कांट इज प्रोवाइडेड फॉर कौन सी स्पीड इक्विलिब्रियम स्पीड। तो कौन सी स्पीड ले रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम स्पीड ले रहे हैं। ठीक, तो एक्चुअल कांड में आप कौन सी स्पीड लोगे, वी इक्विलिब्रियम और वी इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अलग अलग तरीके से वी इक्विलिब्रियम पे हम क्या लेंगे, एक्चुअल, क्योंकि अलग 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 स्पीड में ट्रेन चल रही है, ठीक है। और हमको रेलवे ने एक वैल्यू बताया है कि एक्चुअल कांड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होना चाहिए, एक्चुअल कांड की मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए,
समझ पा रहे हो? ठीक है, जो कि एग्जाम अगर मैं पूछता और एसईएस में शायद पूछा था ही, मैक्सिमम वैल्यू फॉर एक्चुअल कांट, मैक्सिमम वैल्यू फॉर एक्चुअल कांट, समझ रहे हो? ठीक, तो अलग अलग ट्रैक है तुम्हारे पास, बीजी ट्रैक, मीटर गेज ट्रैक और नैरो गेज ट्रैक, ये अलग अलग ट्रैक है। ठीक है, और इसकी कांट वैल्यू, और वो भी कौन सी कांट वैल्यू? एक्चुअल कांट वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल कांट वैल्यू, समझ रहे हो? एक्चुअल कांट वैल्यू। अगर स्पीड, देखो कई जगह वैल्यू ना तुमको 120 भी देगा और कई जगह 160 भी देगा। ठीक है, तो पुराने अगर टेबल देखोगे ना तो वहाँ पे 120 किलोमीटर पर आर था, अब थोड़ा क्या है स्पीडें बढ़ गई हैं ट्रेन की, तो कहीं पे तुमको 160 भी दिख सकता है, 120 या 160 दोनों दिख सकता है तुमको। ठीक है, तो 120 या 160 से अगर स्पीड कम है, अगर स्पीड कम है, ठीक है, या फिर कांट वैल्यू, ठीक है, 120 या 160 से ज्यादा है, या ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में एक्चुअल कांट की वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल कांट की वैल्यू क्या होगी? समझ रहे हो जी? समझ पा रहे हो? तो ये किसकी वैल्यू है, ये सारी किसकी वैल्यू है, सारी किसकी वैल्यू है? एक्चुअल कांट की। किसकी वैल्यू है ये? एक्चुअल कांट की। और एक्चुअल कांट में हम कौन सी स्पीड लेते हैं? इक्विलिब्रियम स्पीड, मतलब एवरेज स्पीड एक प्रकार से। यही शायद तुम्हारे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन पूछा था कि नैरो गेज में कांट की वैल्यू कितनी होती है, याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा एजेई में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, मैक्सिमम वैल्यू से इतनी वैल्यू आपको देना ही है। बीजी ट्रैक है तो आपको अगर वो स्पीड 100 करीब है, 100 किलोमीटर पर आर, तो आपको 16.5 सेंटीमीटर देना ही पड़ेगा कांट की वैल्यू, मतलब उतना आपको हाइट एलिवेट करना ही पड़ेगा आउटर ट्रैक की। इससे ज्यादा हुआ सर, तो इससे ज्यादा नहीं लेना है, इससे ज्यादा अगर वैल्यू आएगी तो आपको यही वैल्यू लेना है। कम आई तो कम ले सकते हो, मगर इससे ज्यादा नहीं लेना है, यही मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए लिख दिया उसने मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर बीजी ट्रैक है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू 16.5 लेना है, मीटर गेज है तो आपको 10 सेंटीमीटर लेना है, नैरो गेज है तो आपको 7.6 सेंटीमीटर लेना है। कब? जब आपकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आर से कम है। पुराना कोड देखोगे तो 120 था, अब चेंज होके वो 160 हो गया। ठीक है, तो ये स्पीड से अगर कम है तो ये लेना है, और अगर बहुत सुपर फास्ट ट्रेन है जैसे कि तुम्हारी वंदे भारत, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या लेना है? 18.5 सेंटीमीटर, उतना हाइट आपको उठाना पड़ेगा आउटर एज का। क्लियर? तो ये है आपकी एक्चुअल कांट, और एक्चुअल कांट में हम लोग इक्विलिब्रियम स्पीड लेते हैं, एक्चुअल कांट में हम लोग इक्विलिब्रियम स्पीड लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये था कांट के बारे में। तो इस कांट में मैंने तुमको मैक्सिमम स्पीड के बारे में भी बताया, इक्विलिब्रियम स्पीड कैसे निकालते हैं वो भी बताया, और एक्चुअल कांट की कितनी वैल्यू होती है, बोर्ड ने कितनी वैल्यू सैंक्शन किया है, इतनी वैल्यू आपकी होनी ही चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये मैक्सिमम वैल्यू। कम हो सकती है, कम हो सकती है, मगर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी हमने देखा। क्यों करते हैं, क्यों देते हैं कांट? ताकि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंपनसेट कर सकें, ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो, डीरेलमेंट वगैरह ना हो। कहाँ पे देते हैं? कर्व वगैरह में, क्योंकि कर्व ही में क्या होता है आपकी सर्कुलर मोशन के कारण, कर्व वगैरह में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है। ये सारा रीज़न है भाई, क्लियर? ये सारा रीज़न है।
तो सर अब कान डेफिशिएंसी क्या होती है, तो उसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कान डेफिशिएंसी क्या होती है, क्यों कान डेफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आया।